जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है इंडियन आर्मी। जी हाँ, इंडियन आर्मी के अंतर्गत जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली हुई थी, हेडक्वार्टर बंगाल सब एरियाज हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड में आप लोग की वैकेंसी थी, जिसके लिए कि आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई हुए थे। 29/4/2022 तक आप लोगों ने ऑफलाइन अप्लाई किए थे, कोई फीस नहीं लगी थी। स्टेनो, LDC, मैसेंजर, गार्डनर, सफाई वाला, ड्राफ्टरी के लिए वैकेंसी थी। ओनली और ओनली 10th क्लास पास थे तो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी, इसके फॉर्म कैसे अप्लाई होंगे इसकी भी जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। तो यदि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग को इसकी पूरी जानकारी होगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप लोग के एडमिट कार्ड। जी हाँ, एडमिट कार्ड आ रहे हैं और बहुत ही जल्द आप लोग के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। ये रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्द आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, आप लोगों को भी बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है या नहीं किया। बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलती हैं इंडियन आर्मी के अंतर्गत, तो बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, हेडक्वार्टर बंगाल सब एरियाज आप लोगों को 246 एजे से बोस रोड एलीपुर कैलकाटा में आप लोगों की वैकेंसी थी, जिसमें स्टेनोग्राफर की 8 वैकेंसी थी। 12th क्लास पास थे तो आप लोगों ने अप्लाई किया होता, आप लोग को पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा LDC की 8 वैकेंसी थी, इसके लिए भी आप लोग को 12th क्लास पास होना चाहिए था। और इंग्लिश में टाइपिंग 35 या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आप लोग की स्पीड होनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो भी आप लोग इस चीज़ को याद कीजिए। आप लोग की जो है इंग्लिश में टाइपिंग 35 और हिंदी में 30 वर्ड रहने वाली है। टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए यदि आप लोग के एडमिट कार्ड आ गए हैं। मैसेंजर की 15 वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, 10th क्लास पास थे तो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक है, जनरल SC ST OBC सभी की वैकेंसी यहाँ पे दी। ड्राफ्टरी की वैकेंसी थी, इसी प्रकार से सफाई वाला की वैकेंसी थी, इन सभी के लिए आप लोग के 10th क्लास पास यहाँ पे मांगी गई थी। गार्डनर की भी वैकेंसी थी, इसके लिए भी आप लोग 10th क्लास पास थे तो आप लोगों ने अप्लाई किए थे। और 29 अप्रैल तक आप लोग के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए हैं। मैंने आप लोग को पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई थी, किस प्रकार से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म की जानकारी भी मैंने आप लोग को दी थी। तो काफ़ी बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके एडमिट कार्ड आए हैं और एडमिट कार्ड अभी आप लोग के आ रहे हैं। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं, ये है आप लोग का एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड जो है आप लोग का मैसेंजर की पोस्ट के लिए है, मेरे किसी स्टूडेंट के द्वारा सेंड किया गया है। टेस्ट इनका 26 जून को ही सभी को यहाँ पे बुलाया गया है। चाहे आप लोग को मैसेंजर की वैकेंसी रही हो, LDC के लिए अप्लाई किया हो, स्टेनोग्राफर, सफाई वाला, गार्डनर या फिर ड्राफ्टरी के लिए, तो डेट इनका 26 तारीख की डेट है और 10 से 12 के बीच में इनका जो एग्ज़ाम होने वाला आर्मी पब्लिक स्कूल बेलगांव कैलकाटा में आप लोग इनका होने वाला है। बेलगुनी मिलिट्री कैंप गेट नंबर 1 से इनकी एंट्री होगी। ठीक है, कैलकाटा आप लोगों को पहुंचना है, 26 जून को ही है और 8:30 बजे आप लोग रिपोर्टिंग दे देंगे। 10 से 12 के बीच में आप लोग का जो है यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाना, आप लोग को जो है एडमिट कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, डिस्चार्ज कार्ड फॉर ESM यानी कि एक आईडी प्रूफ आप लोग जरूर रख लेंगे। यदि आधार है तो बहुत अच्छी बात है, आधार नहीं तो आप लोग वोटर आईडी कार्ड रख लेंगे। और यदि आप लोग ESM एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जरूर रख लेंगे। ठीक है, और कॉल लेटर आप लोग को चाहिए, कोई DAT वगैरह आप लोग को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स के यहाँ पे एडमिट कार्ड आए हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल क्लियर जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। कॉल लेटर, रिटर्न टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट सिविल एंड डिफेंस फॉर ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया। ठीक है, मैसेंजर का है, 26 तारीख का एग्ज़ाम है। इसके अलावा मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, ये इसके अंदर आप लोगों का जो है एनवलप है, इसमें एडमिट कार्ड आए थे, जो एनवलप आप लोग भेजते हैं इसमें आप लोग देखेंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर सब एरिया 246 एजे से बोस रोड अलीपुर कैलकाटा 700027, इसी में आप लोग का एडमिट कार्ड आ रहा है। ये जो है मैसेंजर, ये भी एक स्टूडेंट है, इनका भी मैसेंजर का ही है और इनको भी 26 जून को ही बुलाया गया है। 10 से 12 के बीच में इनकी भी रिपोर्टिंग है, आर्मी पब्लिक स्कूल बेलगांव कैलकाटा में ही, गेट नंबर 1 से ही इनकी एंट्री है। और एक आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड आप लोग जरूर रख लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, है इनका मैसेंजर का है और वही है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है इनका गार्डनर का है। जी हाँ, गार्डनर का भी एडमिट कार्ड आया, सभी के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया। जी हाँ, इनका जो है ये गार्डनर का है और हेडक्वार्टर बंगाल सब एरियाज का, ये 26 जून को ही आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। 10 से 12 के बीच में ही इनका एग्ज़ाम है, केंद्रीय विद्यालय बेलगाम कैलकाटा वही, और गेट नंबर 2 से इनकी एंट्री है। ठीक है, गेट नंबर 2 से, गार्डनर वालों की गेट नंबर 2 से एंट्री है, ध्यान रखिएगा। और रिपोर्टिंग टाइम जो है इनका वही है 8:30 बजे और 10 से 12 के बीच में ये एग्ज़ाम होने वाला है। आईडी प्रूफ आप लोग एक रख लेंगे और एक और जो आप लोग का ये एडमिट कार्ड है इसे जरूर रख लेंगे। और इसके अलावा खाने पीने की चीज़, जो बाकी चीज़ें जो आप लोग रखते हैं वो आप सब चीज़ें आप लोग जरूर रखेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ आप लोग जरूर रख लेंगे। तो ये गार्डनर का हो गया, ठीक है, गार्डनर मैसेंजर दोनों का हो गया। ये एक स्टूडेंट है, इनका भी आया है, इन्होंने भी सेंड किया है मुझे,
मैसेंजर का ही है इनका भी, और 26 जून को ही है, 10 से 12 बजे इनकी रिपोर्टिंग है। गेट नंबर 1 से, मैसेंजर वालों की गेट नंबर 1 से, गार्डनर वालों की गेट नंबर 2 से एंट्री है। और जाना आप लोग को जो है आर्मी पब्लिक स्कूल बेलगांव कैलकाटा में आप लोग को पहुँचना है, ठीक है। तो इनका भी मैसेंजर का है, इन्होंने भी सेंड करी, आप लोग के भी एडमिट कार्ड आए हैं तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। सिलेबस की रिलेटेड जानकारी भी आप लोग को अभी देने वाला हूँ, किसी भी प्रकार की आप लोग टेंशन ना लें। ये एक स्टूडेंट है, इनका भी मैसेंजर का है, 26 को ही है और 10 से 12 के बीच में ही इनकी भी एंट्री है, ठीक है। गेट नंबर 2 से इनकी एंट्री है, मैसेंजर का है लेकिन गेट नंबर 2 से इनकी एंट्री है, ओके, जनरल EWS वालों की। तो आप लोग देख लेंगे किस गेट से आप लोग की एंट्री है, उसी गेट से आप लोग एंट्री करेंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हैं, एक स्टूडेंट और हैं इनका सफाई वाला का, जी हाँ, देखिए सफाई वाला का भी आ गया, गार्डनर का भी आ गया, और आप लोग का यहाँ पे मैसेंजर का भी आ गया। बाकी सभी मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड दिखाने वाला हूँ, सफाई वाले का भी यहाँ पे आ चुका है। 10 से 12 के बीच में ही इनका एग्ज़ाम है और 26 तारीख को ही एग्ज़ाम है, और सेंटर भी वही है, आर्मी पब्लिक स्कूल बेलगांव कलकत्ता में, और गेट नंबर 1 से इनकी एंट्री है, ठीक है। गेट नंबर 1-2 जो जिस गेट से आप लोग को एंट्री दी जाए उसी गेट से आप लोग एंट्री करेंगे। एडमिट कार्ड कुछ दिनों से आ रहे थे, बच्चे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट समय ना मिलने की वजह से आप लोग के लिए वीडियो नहीं लेके आ रहा था, लेकिन वीडियो बनाना था मुझे, आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। तो आप लोग देख सकते हैं सफाई वाला का है, 26 जून को ही है इनका भी, और ID प्रूफ और एडमिट कार्ड ही लेके जाना है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो LDC की, देखिए LDC का भी एडमिट कार्ड आ गया, यानी कि सभी एडमिट कार्ड आ रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कोई गलत जानकारी आप लोगों को नहीं दी जा रही है। हेडक्वार्टर बंगाल सब एरिया लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की जो वैकेंसी थी उसका भी एडमिट कार्ड आ रहा है, और 26 जून को ही आप लोग का एग्ज़ाम है, लेकिन 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 इनका जो एग्ज़ाम है वो 15 से 17 यानी कि 3 से 5 के बीच, 3 बजे से 5 बजे तक इनका एग्ज़ाम होने वाला है। ध्यान रखिएगा दोपहर के बाद आप लोग का एग्ज़ाम है, 3 बजे से 5 बजे के बीच में, केंद्रीय विद्यालय बेलगांव कलकत्ता, एड्रेस वही है, गेट नंबर 2 से इनकी एंट्री है, ठीक है। एंट्री आप लोग देख लेंगे किस गेट से आप लोग की एंट्री हो रही है। तो 15 से 17 का मतलब यहाँ पे 3 बजे से 5 बजे तक आप लोग का एग्ज़ाम चलने वाला है, और 1:30 बजे आप लोग जो रिपोर्टिंग कर लेंगे, ठीक है, 1:30 बजे आप लोग पहुँच जाएंगे दोपहर में, 3 से 5 के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होगा 26 तारीख को, और ID प्रूफ और एडमिट कार्ड आप लोग रख लेंगे, ठीक है। LDC का भी आप लोग का आ गया, सभी जानकारियां मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। ये इनका एनवलप है, इसी में इनका एडमिट कार्ड आया था, इन्होंने मुझे सेंड किया, सारी चीज़ें बच्चे सेंड करते हैं। इसके अलावा मैसेंजर की आप लोग देखेंगे, मैसेंजर की भी यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, इनका भी मैसेंजर का आया हुआ है, और 26 तारीख को ही है, 10 से 12 के बीच में इनको जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा इन्होंने भी अपना एनवलप सेंड किया है, बच्चे पूरी चीज़ें सेंड कर देते हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आप लोग देख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से जुड़ा हुआ है सभी बच्चे हेल्पफुल नेचर के हैं, अच्छे बच्चे हैं, और ऐसा नेचर आप लोगों का होना चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क, जी हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक और स्टूडेंट है, इनका भी LDC का ही है, और 3 से 5 के बीच में, तो LDC वालों का 3 बजे से 5 बजे के बीच में ही अभी तक एडमिट कार्ड में दिखाई दे रहा है, गेट नंबर 2 से एंट्री है, 1:30 बजे रिपोर्टिंग दे देनी है, 26 तारीख का ही यहाँ पे है, ठीक है। तो सभी एडमिट कार्ड की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, देखिए सभी एडमिट कार्ड की जानकारी दे दी है, कुल मिला के एडमिट कार्ड आप लोग के आ रहे हैं। तो मैं आप लोग बिल्कुल क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उस पर क्लिक करके इस भर्ती देखो पे आप लोग आ जाएंगे, भर्ती देखो पे आप लोग हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। तो एडमिट कार्ड आप लोग देखेंगे, जो भी आप लोग का रिक्रूटमेंट है इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, कितनी वैकेंसी थी, कौन सी वैकेंसी थी, ठीक है, कब से कब तक अप्लाई किए थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या थी, आप लोग इस पे आके पूरी डिटेल ले सकते हैं और आप लोग पूरी जानकारी पा सकते हैं। कलकत्ता सेंटर है, कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, और इसके अलावा आप लोग की जैसे नीचे आएंगे फॉर्म के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, चलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्म सेंडिंग एड्रेस इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोग के एडमिट कार्ड, जी हाँ, एडमिट कार्ड आप लोग देख सकते हैं सभी के आ रहे हैं, जो कि 26/6/2022 को होने वाले हैं, मैसेंजर, गार्डनर, सफाई वाला, LDC सभी पोस्टों के यहाँ पे एडमिट कार्ड आ रहे हैं। चलिए इसके बाद आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे आप लोग देखेंगे, आप लोग को बाकी की डिटेल्स भी यहाँ पे दे दी गई है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग का एडमिट कार्ड ये आप लोग देखेंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड भी आप लोग को नीचे का, वेन्यू ऑफ सेंटर, एग्जाम सेंटर की जानकारी भी मैंने आप लोग को दे दी है, आर्मी पब्लिक स्कूल बेलगांव कलकत्ता आप लोग को पहुँचना है, और बेलगांव मिलिट्री कैंप गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 और 2 से आप लोग की एंट्री है। जैसा आप लोग के एडमिट कार्ड पे दिया हो ऐसी ही आप लोग एंट्री करेंगे, और एडमिट कार्ड भी मैंने आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर दिया, एडमिट कार्ड वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग को सिलेबस की जानकारी दी गई, जी हाँ, सिलेबस की जानकारी आप लोग को दी है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन होने वाला रिटर्न एग्जाम, इसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट जो भी हो वो आप लोग का होगा, फिर मेडिकल, और आप लोग के उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन इसके बाद आप लोग का होगा।
ठीक है, ये आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। इसके बाद आप लोग के क्या क्या आने वाले हैं एग्जाम में, तो आप लोग देखेंगे मैथमेटिक्स आने वाले, यहाँ पे आप लोग के 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आप लोग की रीजन जीके 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर। तो जो जानकारी है उसके अनुसार मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना दिया है। बाकी की जो क्या सिलेबस क्या क्या प्रोसेस देते हैं वो आप लोग को जो है एग्जाम हॉल में ही पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो है एक कोई अप्रूव्ड सिलेबस नहीं दिया है कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन आने आप लोग के सब्जेक्ट आप लोग के दे दिए हैं, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये नहीं दिए हैं, लेकिन जो आप लोग का जो जानकारी है उसके अनुसार मैंने आप लोग को बता दिया 150 क्वेश्चन 150 नंबर, 2 घंटे का आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम है, तो एग्जाम का परफॉर्म आप लोग का यही होने वाला है। 10th और 12th लेवल का पेपर होगा। ठीक है, जैसा आप लोग की क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार जैसे आप लोग को फॉर्म भरवाए गए हैं, OMR बेस एग्जाम होगा। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग आप लोग की नहीं होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग के लिए मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूँ, आप लोग जब आप लोग का एग्जाम हो उससे पहले आप लोग जरूर इस चीज़ को देख लेंगे वहाँ पे कि आप लोग की नेगेटिव मार्किंग दी है या नहीं दी है एग्जाम पेपर में। ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन वगैरह आप लोग लेके जाएंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर होने वाला है और इंग्लिश का जो पेपर होगा वो इंग्लिश में ही रहने वाला है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे सिलेबस जनरल अवेयरनेस के अंदर, जीके के अंदर आप लोग की क्या क्या आने वाली पूरी डिटेल मैंने दे दी है। इसके बाद आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी, मैथ में आप लोग का क्या क्या आने वाला, इंटरेस्ट वगैरह, प्रॉफिट एंड लो, लॉस, एवरेज वगैरह। ठीक है, और रीजनिंग की जानकारी आप लोग को दी है, रीजनिंग में आप लोग के क्या क्या आने वाला आप लोग देख लेंगे, भर्ती देखो पे आइए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं, पूरा सिलेबस मैंने आप लोग को दे दिया। इंग्लिश में आप लोग को देखेंगे, इसमें आप लोग की वोकैबुलरी आनी, स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह आने वाली, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम, एक्टिव पैसिव वाइज आप लोग की आने वाली। इसके अलावा जैसे ही आप लोग सबसे नीचे आ जाएंगे आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था या नहीं किया था, पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड। इसके अलावा भी कोई जानकारी लेनी है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। तो एडमिट कार्ड आया है तो तैयारी में आप लोग लग जाइए, पूरी जानकारी आप लोग को भर्ती देखो वो मिलेगी, सिलेबस की जानकारी लीजिए। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, चांस पे लिखूंगा यदि चैनल चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।